फ्रेंड, तो आज से बच्चों का स्कूल मॉर्निंग हो गया है और मुझे कल से थोड़ी कोल्ड हो गई है। बहुत ज़्यादा ही गला दर्द दे रहा है, तो भी बज गए हैं सुबह के 4। और जल्दी से मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा और लंच। अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो सोच रही हूँ बच्चों के लिए सत्तू वाली पूड़ी बना दूँगी। तो फ्रेंड, मेरे सर्दी होने से बिल्कुल फेस कैसा हो जाता है तो पता नहीं। मेरे तो फ्रेंड, रात को मैं सो भी नहीं पाई हूँ, पूरी रात ऐसे ही छींक इतनी आ रही थी कि नींद नहीं आया। और फ्रेंड, मेरा ना बहुत सारा ब्लॉग एडिट ब्लॉग बना हुआ शूट किया हुआ था, तो कल रात को मैं 2 दिन का ब्लॉग मेरा शूट था फ्रेंड। और वो ब्लॉग फ़ोन में स्पेस ना होने की वजह से कुछ चीज़ को डिलीट करने गई तो फाइल ही डिलीट हो गया फ्रेंड। बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन हो गया था, म्यूजिक डिलीट हो गया था और बहुत सारी वीडियो डिलीट हो गई। फ़ोटो वगैरह तो डिलीट होने से कोई बात नहीं, तो अब जल्दी से बना लेती हूँ उन लोगों के लिए नाश्ता और फिर बच्चों को उठाती हूँ। और अभी उन लोग को 5:15 बजे आ जाएंगे, मतलब 5:15 बजे हमारे घर बच्चे लोग निकल जाएंगे। 5 बजे बच्चों का बस स्टैंड में बस आ जाएगी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा एकदम गला चौक हो गया, ओट वगैरह देख रहे सूख गया फ्रेंड, बोलने का भी मन नहीं कर रहा। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, गर्म पानी ले ली हूँ और हस्बैंड को बोली थी कि मुझे उठा दीजिएगा, तो वो भी कॉल कर दिए कि उठ जाओ। तो एक बच्चों को अगर स्कूल भेजने के लिए पूरे घर, मेरे पापा भी जाग रहे होंगे, सोच रहे होंगे सोई हुई है या जाग रही है। तो मैं गर्म पानी कर ली हूँ। सत्तू का पूड़ी बना दे और सॉस चटनी। तो फ्रेंड, सत्तू की पूड़ी बना लूंगी। कुछ बोल दो। तो फ्रेंड, यहाँ पे सत्तू के लिए मसाला बना ली हूँ। अभी से मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें से सत्तू ऐड करने से, मतलब पहले इस तरह मिक्स करने से फ्रेंड सत्तू बहुत अच्छे से मतलब पराठे में बनेगा, नहीं तो वो सत्तू सूखा सूखा रहता है। इस तरह मिक्स करने से इसका जो प्याज लहसुन का जो पानी है वो छोड़ देगा, तो सत्तू अच्छे से सन जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, हमारा सत्तू का मसाला बन गया है और आटा लगाना है। तो जब जाल जल्दी से नहा लो। तो फ्रेंड, मेरा छोटा वाला बेटा नहा लिया है, बड़ा वाला बाकी है, तो उससे बोल रही हूँ नहा लेने, क्योंकि स्कूल से आते आते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो स्कूल से आते आते काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो फिर धूप और सर्द गर्म ऐसे ही मौसम हो रखा है, तो बोला ठीक है चलो जाओ जल्दी जाओ। तो फ्रेंड वो नया था इसलिए वो जा रहा था। जाओ रिशु, जा रहे थे तुम।
फ्रेंड मैं आटे में अजवाइन मंगरेला देती हूँ और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी और इसे गूथ लूँगी। तो फ्रेंड मेरा ना पूरा नाक छिल गया है पोच पोच के। तो फ्रेंड इन लोग का आज ड्रेस चेंज होता है। तो मेरा आटा लग गया है, सत्तू बन गया है, तो अब जल्दी से पूरी छान। ले जा, ले जा, तो फ्रेंड देखिए हमारी गली में कितनी सारी गाय। इधर से चले जाओ। तो फ्रेंड अभी बिल्कुल अंधेरा है और ये भाभी अपना झाड़ू वाड़ू लगाना चालू करती है और यहाँ देखिए बहुत सारा आम लगा हुआ है। तो फ्रेंड अब चलते हैं, चाय तो नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं सुबह में आज दवा भी नहीं खाई हूँ, तो दवा खाऊँगी उसके बाद ही चाय पीऊँगी। तो काम तो मुझे भी करना है, झाड़ू नहीं लगाऊँगी क्योंकि हमारे में नियम है कि घर से कोई जाते तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते। तो अब थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाऊँगी। ये पेड़ तो ओके है, उस रूम का पेड़ ठीक करूँगी और मैं अपनी थायराइड की दवा खाऊंगी। यार बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। तो मैं किचन प्लेटफॉर्म साफ कर ली हूँ बनाकर और इस बेड का हालत देखिए कुछ ज़्यादा ही है। इतना सारा बॉटल रखा रही थी, 1-2-3 बॉटल बेड पे हैं और सारा पिलो कैसे है, इन सबको मैं अरेंज कर लेती फ्रेंड, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड आज मैं कच्चे आम की चटनी बनाऊँगी मगर ये मीठा वाला बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम कर दी हूँ और इसमें तेल डाल दी हूँ, इसमें राई पचफोरन, राई गलती से बोल दी फ्रेंड, पचफोरन और मिर्ची डाल दी हूँ। तो फ्रेंड बज गए हैं 7:30 और मैं नहा ली हूँ, झाड़ू पोछा लग गया है, इधर एक बाल्टा कपड़ा धो के रखी हूँ। तो अभी पापा को मैं नाश्ता नहीं दूँ, जब मैं सोची थी ना हो जाएगा मगर ये नहीं, काम नहीं हो पाया जल्दी। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड नमक हल्दी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा ये धनिया जीरा और इसका पाउडर है, तो ये भी इसे डाल दूंगी और इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। और फ्रेंड अब इसमें डाल दूंगी गुड़। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। तो फ्रेंड ये रहा हमारा गुड़ आम, इसको हम लोग गुड़म्मा बोलते हैं और सत्तू की पूड़ी है। तो
अभी हमारे यहाँ सभी के घर में गुड़ाम बनेगा ही बनेगा, तो आप लोग जरूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। खट्टा मीठा तीखा तीनों फ्लेवर है इसमें, और बहुत तरह से बनते हैं, इसके मीठे अचार भी बनते हैं। हाँ दीदी, अगर वो पूरी है तो फ्रेंड अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और सो जाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि ना रात में सुबह उठने के चलते ना रात को अच्छे से सो नहीं पाई हूँ, तो थोड़ी देर सोऊंगी। और बच्चे लोग तो आएंगे 1:30 12:30 के आसपास, 11:30 के आसपास, तो अब अपने लिए बना लेती हूँ चाय और फिर थोड़ी देर सो जाऊंगी। तो फ्रेंड ये रहा हमारा नाश्ता, चाय पूड़ी, चाय और सत्तू की पूड़ी, और ये वाला तो दोपहर में खाऊंगी दाल चावल के साथ। तो फ्रेंड मैं सुबह में, अब बच्चों का स्कूल मॉर्निंग हो गया है तो मैं इसी तरह काम करूंगी, पहले बच्चों को भेज लूंगी, इसके बाद झाड़ू पोछा करूंगी। वैसे तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद नाश्ता बनाती थी, कभी कभी सिर्फ झाड़ू लगाने के बाद बना लगा लेती थी फिर नाश्ता बनाती थी, मगर अब इतने सुबह 4 बजे उठती हूँ ना, तो बच्चों को भेजने के बाद सब काम करूँगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग स्कूल टाइम के हिसाब से है मेरा काम। तो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड।